अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और तुम वहां काय करियो? हम जा रहे हैं, हमारा पाँव नहीं छुओगी? खूब खुश रहो, अपना, अपने पति का और अपने ससुराल वालों का, सबका ध्यान रखना, ठीक? चलते हैं जिया जी। कहीं डॉक्टर बाबू को शक ना हो जाए कि हम ही गहना है। इसने तुम्हें पाँव छूने को क्यों कहा? और ये अपने पति का, ससुराल का ध्यान रखना, ये सब क्या है? तुम इस भोला को कैसे जानती हो? हो कौन तुम? हे भोलेनाथ, क्या करे? कहने सच बता दे, कोई नई मुसीबत तो नहीं आ जाएगी? सुना नहीं तुमने? जवाब दो, इस भोला को कैसे जानती हो तुम? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर शादी की डेट फिक्स हो गई है, चलो मेरे साथ अंदर। अरे चलो ना। अरे चलो तो सही। हे भोलेनाथ, बचा लिया आपने, वरना पता नहीं हम डॉक्टर बाबू को का बोलते। पर सच कहूँ तो डॉक्टर बाबू से अपना सच छुपाकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाप कर लिया है। पर हम भी मजबूर हैं, और कोनो रास्ता भी नहीं है। अंदर जाते हैं, शादी की तारीख निकली है देवर जी और आलिया मैडम की, शायद कोनो काम होगा उन्हें। आयुष्मान, आई एम सो हैप्पी टुडे, फाइनली हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। दो दिन के अंदर रोका है और एक महीने के अंदर शादी। सो हैप्पी। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और इतनी सारी तैयारी करनी, कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए मेरी शादी में। मैं हूँ ना, मेरे होते हुए किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। देखना इतनी ग्रैंड शादी होगी कि पूरा बनारस याद रखेगा सालों तक। कितने खुश है सब। देवर जी और आलिया मैडम ने तो अपनी शादी की तैयारियों के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया। मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है, पर मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मुझे घड़ी घड़ी कहना क्यों याद आ रही है? अरे भाई तैयारियां तो होती रहेंगी, पर पहले तुम दोनों आओ और दीदी से आशीर्वाद लो, क्योंकि आज जो तुम्हारी शादी हो रही है इन्हीं के आशीर्वाद की वजह से। चलो आओ। ए लड़की, तू वो खड़े खड़े सिनेमा कहाँ देख रही है? अरे कितना खुशी का दिन है, जा जाके सबके लिए मिठाई लेकर आ, जा। अरे जल्दी जा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कितनी खुशी की बात है, आज देवर जी की शादी तय हो गई।
बच्चा छुड़ाना चाहता था इस गांव से, इस शादी से और तुमसे। न जाने डॉक्टर बाबू हमारी शादी को स्वीकारेंगे भी या नहीं। उन्होंने तो इस रिश्ते को अपनाने से भी मना कर दी और उन्होंने जो कुछ भी हमसे कहा वो भोला भैया को काहे नहीं बताया। न जाने उनके मन में क्या चल रहा है। खैर उनके मन में जो कुछ भी चल रहा हो उनके मन क्यों ही जाने, पर हमने तो बस उन्हीं को अपना अपना माना है। अरे गहना खुशी का मौका है, ऐसे दुख का है और ये बहुत काम है तो थाली थाली कहाँ रखी होगी। अब हुआ इसमें हो सकता है। अरे मोरी मैया इतनी सारी थालियां भरू भी तरह तरह की एक ही घर में, मैंने तो पहली बार देखी हमारी जिंदगी में। और आज खुशी का मौका है, कौन सी बेहतरीन थाली ले, काली वाली ले या सफेद वाली। सफेद वाली लेते। मिठाई लेके क्यों आई है? ओ, हमारे गांव में शुभ अवसर पर सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और हमने सोचा कि इस घर में इतना बड़ा खुशी का दिन है तो हमें भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। बहुत अच्छा सोचा है बेटा, ला दे। लड़की सबका मुंह मीठा कराओ, सबसे पहले होने वाले दुल्हा दुल्हन का। चलिए देवर जी सबसे पहले आपका मुंह मीठा किया जाए। इसे कहते हैं हाथ आया पर मुंह ना लगा। ए लड़की जब घूंघट में चलना आता नहीं है तो औरती क्यों, हटाओ इसे। अब क्या करें, घूंघट हटाया तो डॉक्टर बाबू देख लेंगे कि हम गहना है। सुना नहीं तुमने एक बार, हटाओ इसे।
अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।